प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है। आबकारी नीति मामले में अदालत ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी। उधर मंगलवार को फिर से सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पहले प्रस्तुत किया था कि सिसोदिया ने ये दिखाने के लिए गढ़े हुए ईमेल लगाए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी। ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था, हमारे पास सबूत है कि सिसोदिया ने ईमेल प्लांट किए थे। ये न केवल आबकारी विभाग के आधिकारिक ईमेल खाते में बल्कि उनके व्यक्तिगत ईमेल खाते में भी प्राप्त हुए हैं। ईमेल की सामग्री सिसोदिया द्वारा दी गई थी जो उनके एजेंडा के अनुकूल है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है। आबकारी नीति मामले में अदालत ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी। उधर मंगलवार को फिर से सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पहले प्रस्तुत किया था कि सिसोदिया ने ये दिखाने के लिए गढ़े हुए ईमेल लगाए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी। ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था, हमारे पास सबूत है कि सिसोदिया ने ईमेल प्लांट किए थे। ये न केवल आबकारी विभाग के आधिकारिक ईमेल खाते में बल्कि उनके व्यक्तिगत ईमेल खाते में भी प्राप्त हुए हैं। ईमेल की सामग्री सिसोदिया द्वारा दी गई थी जो उनके एजेंडा के अनुकूल है।